मेरे साथ क्या ये ज्यादती नहीं हो रही, और उसके बाद जनाब मेरे अगेंस्ट मडस्लिंगिंग शुरू कर दी जाती है कि जी आप पे करप्शन के इल्जाम है। आशिर अजीम अपनी जंग लड़ने अदालत तक जा पहुंचे, सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, फिल्म ISPR के तावन से बनाई बैन खत्म करने की इस्तदा, लाहौर हाई कोर्ट का भी हुकूमत को 17 मई का नोटिस। एक जान की कीमत 1000 रुपए, कराची में टारगेट किलिंग के रेट भी फिक्स हो गए, कमीशन के साथ बोनस अलग। पावर ऑफ अटॉर्नी बेटे को क्यों दी, समा का सवाल, मेरा कारोबार तबाह हो रहा है, डॉक्टर आसिम का जवाब, कहते हैं बैरूने मुल्क मेरी कोई कंपनी नहीं। फारूक आवान से वसीम अहमद तक उजैर बलोच ने टारगेट किलिंग में मजीद नाम उगल दिए, रज़ाक कमांडो के कत्ल में कादिर पटेल का नाम, ईरानी इंटेलिजेंस और मुत्तहिदा कारकुनों के ताल्लुक का भी दावा, नबील गबोल का भी इंकशाफ। DSP लेवल और सिटिंग SHO को लियारी ऑपरेशन में मारा इसने, तो उनका रिमांड तो और जो मैंने सुना है चौधरी असलम के कत्ल में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। दोस्ती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कप्तान सक्खर में जलसा करें साथ देंगे, बस जरदारी साहब के लिए वेल लेफ्ट की पॉलिसी अपनाना होगी, पीपल्स पार्टी का PTI को पैगाम। चेयरिंग क्रॉस नो बॉस, लाहौर इंतजामिया का PTI को जलसे की इजाजत देने से इनकार, मॉल रोड पर लगे सारे बैनर्स उतार दिए। मंदिर को भी मार देवे, अपने बेटी को भी मार देवे, अगर मैं ऊपर आ जाता मैं भी यही काम करता उसके साथ। पूरा खानदान ही सुमेरा का दुश्मन निकला, नाम निहाद गैरत पर कत्ल को दुरुस्त मानने लगा, सिंध हुकूमत ने केस खुद लड़ने का ऐलान कर दिया। थरपारकर में कहद और भूख के डेरे, तबी इमदाद ना मिलने से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। साईं हमारा फंड तो खर्च करें, कनाडा की वजीर आला से फरियाद, सिंध में तालीम के नाम पर दिए गए अरबों रुपए अकाउंट्स में पड़े रह गए। सरहद पर स्कैनर्स की तंसीब से पहले बड़ी कामयाबी, पाक अफगान बॉर्डर पर हाजिर सर्विस, अफगान फौजी अफसर गिरफ्तार। कील लगाओ दर्द से छुटकारा पाओ, रावलपिंडी में सदियों पुराने दरख्त पर हजारों कीलें गाड़ दी गईं, लोगों का मुरादें पूरी होने का दावा। सिंध में इंटर के इम्तिहानात फिर बने मजाक, मराकज में बूटी माफिया का राज, हर्रे बाजों की मौजें। दुनिया के सबसे फेवरेट जोड़े का साथ 5 बरस का हो गया, विलियम और केट को वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद। इस गर्म हमाम ने जाके करनी है तेरे प्यू ना गल, ते तेरे प्यू ने जाने ही अंदरों हाल, ते फिर समझ ले साडे वाला खड़क जाना टाल। और जो काम किया कमाल किया, किरदारों को अमर कर गए, शहनशाह जराफत मुनव्वर जरीफ को बिछड़े 40 बरस बीत गए।